हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत पदों की वैकेंसी निकली हुई है। किस पद की वैकेंसी निकली हुई है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड SSC सिलेक्शन कमीशन का ये मेन साइट है। जिसे इसके मेन साइट पे आएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा इम्पोर्टेंट लिंक, ठीक। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जितने भी फॉर्म जो कि JSSC के थ्रू चल रहे हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पहले वाले सेक्शन पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPSTAACCE 2023, ठीक है। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो भी फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करके लॉग इन करेंगे। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कुछ बेसिक को जान लेते हैं, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं डेट फॉर कमिटेड फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16/8/2023 है। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का 15/9/2023 है, ठीक है। इसके बाद जो कि आप लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट कर सकते हैं 17/9/2023 तक, ठीक है। इसके बाद जो कि डेट ऑफ टेक प्रिंट आउट विथ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आप 19/9/2023 तक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी आप उसके बाद अगर कुछ गलत हो जाता है, करेक्शन के लिए इन्होंने डेट दिया हुआ है, आप 21/9/2023 से 23/9/2023 तक जो है कि आप जो है कि इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कुछ बेसिक डिटेल थी मैंने बता दी, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम चलेंगे इस वाले सेक्शन पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर, क्योंकि हम नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, तो हम इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। आपका स्टेप 1 दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टेप 2 दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए, स्टेप 3 दिया है पेमेंट के लिए, और जो है कि स्टेप 4 फोटो एंड सिग्नेचर के लिए है। उसके बाद स्टेप 5 जो है कंप्लीट आपका जो कि फाइनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा आर यू इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडिया के निवासी हैं, तो यस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा हैव यू पास्ड JTE, क्या आप जो पास है, तो यस कर लेंगे, वरना नो करेंगे तो पास है तो नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर ये पास नहीं है, ठीक है, आप दिया है, अगर जैसे मैंने देखिए नो, जैसे ही मैंने नो पर क्लिक किया, इन्होंने लिखा है ओनली JTE क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई, ठीक है। जो पास है इस फॉर्म को वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से नो कर ले, यस कर लेंगे हम, ठीक है। क्या आप झारखंड के लोकल निवासी हैं, तो यस कर लेंगे, वरना नो करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे ही नो करेंगे, आपको सीधे सीधे जनरल कैटेगरी में सेंड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से यस करते हैं, ठीक है, आपको जो कि रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, कहाँ से आपका निवासी है, ठीक है, जो भी आपका निवासी होगा यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर लेंगे, मैं नो कर लूँगा यहाँ से। इसके बाद टीचर टाइप आपका क्या है, जैसे पैरा टीचर या नॉन पैरा टीचर, जो भी आपका है यहाँ से दे सकते हैं। मैं नॉन पैरा टीचर मैं चूज करूँगा। अगर मैं पैरा टीचर भी चूज करता हूँ तो यहाँ पर जो कि एक्सपीरियंस इन पैरा टीचर आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ से नॉन पैरा टीचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ के इस साइड में आप जो कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, जो आपका जो कि आपका हाई स्कूल का बेसिस होना चाहिए। जेंडर चूज करेंगे, मेल है, फीमेल या अदर, जो भी आपका यहाँ पर जेंडर है चूज कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। मोबाइल नंबर यहाँ से फिल करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ से देंगे, इसके बाद जो कैप्चर कोड को सो फिल करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ये सब कुछ फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, हमारा स्टेप 1 जो कि कम्प्लीट हो जाएगा, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन टू JPSTAACCE, ठीक है, आपका जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से मिल चुका है। इसके बाद गो टू होम पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपका जो कि होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मेल आईडी पर सेंड कर दिया गया या मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है, पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया, ठीक है, दोनों को यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। इसका फिल करने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमारा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ से जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन करते हुए जो भी आपने डिटेल फिल किया था वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिया है पर्सनल डिटेल, ठीक है, सेलेक्ट लोकल लैंग्वेज,
पार्ट वन, ठीक है। आपका क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो मेरा हिंदी है तो हिंदी यहाँ से दे देंगे, ठीक है। सेकेंड लोकल लैंग्वेज, सेकेंड आपके यहाँ से जो भी अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज और है तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपके यहाँ मैरिड है, अनमैरिड है, अदर है, मैं मैरिड हूँ तो मैरिड चूज कर लें, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ से फिल करेंगे, मदर नेम यहाँ से फिल करेंगे, आधार नंबर आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ से एक फिल करना पड़ेगा, जैसे कट का हो गया या मूल का हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ एन ए कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ सेकेंड वाला आपको यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी फिल पर यहाँ पर सेकेंड लिखा है, यानी दो आपको जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। इसके बाद जो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा, इसके बाद जो कॉरस्पेंडिंग एड्रेस भी आपका फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, कॉरस्पेंडिंग एड्रेस भी सेम है, तो दोनों को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो अलग अलग आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऑप्शन दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट प्रिफ्रेंस, सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रिफ्रेंस देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, देख पा रहे हैं 1 से 24 तक इन्होंने दिया हुआ है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आप प्रिफ्रेंस देना चाहते हो, प्रिफ्रेंस यहाँ से दे देंगे, 1-2 करके प्रिफ्रेंस नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। जैसे मान लीजिए मुझे बोकारो को फर्स्ट में देना है तो 01 करेंगे, ठीक है। मुझे इसको 5 करना 05 करेंगे, 06 करेंगे, 09 करेंगे। इस तरह से जो है कि आप इस तरह से आप जो कि अच्छे से इसको फिल करेंगे, कि करके 1 से 24 तक दिया हुआ है, इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो पोस्ट अप्लाई चूज करें, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर या ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर के लिए अलाइन करना चाहता हूँ तो इस पर चूज करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर चूज करेंगे आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपको जो कि क्राइटेरिया होना चाहिए क्लास 1-5 के लिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके पास क्या है इसको अच्छे से चूज करिएगा। ये जैसे ही आप इस पर चूज करेंगे, जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे ना, तो आपको जो कि आपके सामने 1-5 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या जो कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन्होंने मांगा, ये आपके सामने खुल जाएगा। आप इसको अच्छे से चूज करिएगा, जैसे 10+2 हायर सेकेंड ईयर या इसके संपर्क जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है वो आपके जो को सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके जो कि 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कि मिनिमम 50% के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये देख पा रहे हैं 2 ईयर्स का इन्होंने लिखा है। इस पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके पास अगर जो भी क्वालिफिकेशन होगा आप इसको अच्छे से यहाँ से दे देंगे। देने के बाद जो सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इस वाले कैप्चर कोड को फिल करके, ठीक है। तब मैं देख पा रहे हैं मैंने सब कुछ आपको जो कि बता दिया किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद चले जाएंगे हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि पेमेंट का, इसको अच्छे से पेमेंट करिएगा। चलिए इसको पेमेंट करते हैं हम। जैसे हम जो कि फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे हमें पेमेंट वाला सेक्शन पर लेके चलाएगा। आप देख पा रहे हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट आफ्टर 24 आवर्स फॉर सबमिशन डेट, यानी ठीक है आपको जो कि 24 घंटे के अंदर इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से पेमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने खुल रहा है। बस चले जाएंगे यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो कि सर्च करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी आपका जो कि डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद नहीं तो यहाँ से फिल्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑल इंडिया, आंध्र प्रदेश, या हमको जो कि झारखंड के लिए तो JSKU लिखेंगे, यहाँ से झारखंड करेंगे तो जो भी आपका चल रहा है यहाँ पर जो भी आपको दिखाई देगा सेकेंड। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टीचर के लिए तो आप देख लेंगे इसमें कौन सा हमारा है, तो इसको अच्छे से यहाँ से चूज करके इसको पेमेंट कर लेंगे। चलिए इसको पेमेंट कर लेते हैं। अब ये करेंगे तो आपको जो कि इस यहाँ पर सेलेक्ट, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो कि आपको जो कि अपना डिटेल यहाँ से फिल करना पड़ेगा एक एक करके। इसके बाद जो वेरीफाई पेमेंट डिटेल क्लिक करेंगे, कंप्लीट यहाँ से जो कि यहाँ पर जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्रिंट को रिसीप्ट आप जो कि प्रिंट यहाँ से जो कि अपना निकाल सकते हैं, जो कि आपने पेमेंट किया है, आप इसको यहाँ से जो कि कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको जो कि पेमेंट कर लीजिएगा। चलिए हमें पेमेंट कर लेते हैं। इसे हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि कंप्लीट हो जाएगा, यानी पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के 24 घंटे बाद यहाँ से अपना फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे, तो आप इसको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। इसके बाद जो आपका फाइनली जो है झारखंड SSC के लिए जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद जो है कि आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अगर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में केवल आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें आप जो कि फोटो और सिग्नेचर आप जो कि अपलोड कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे जो कि वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख के खुद से, ठीक है, आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किया, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की। तो आशा है वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।